अभी बीते दिनों यूपी की राजधानी लखनऊ में हुआ पबजी कांड देश भर में सुर्खियों में बना रहा, जहां एक मां का अपने बेटे को गेम खेलने से रोकना उसकी मौत का कारण बन गया, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। जी हां, ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बनाई गई एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि पुलिस इस मामले के मुख्य आरोपी को बचाना चाहती है। आज मैं आपके सामने इस हत्याकांड का सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। तो चलिए जानते हैं इस हत्याकांड का सच। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया दरबार। लखनऊ में हुआ पबजी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मां साधना सिंह की हत्या के पीछे पबजी गेम वजह नहीं था, बल्कि ये थ्योरी पुलिस की घड़ी हुई है। बेटा एक बड़े बिल्डर के घर में आने जाने से बेहद परेशान था। उसने आसनसोल में तैनात अपने फौजी पिता से मां की बिल्डर से दोस्ती के बारे में बताया भी था। पिता ने कहा था कि मैं वहां होता तो बिल्डर और तुम्हारी मां दोनों को गोली मार देता। अब जो तुम्हें समझ में आए वो करो। पिता से मिले इस इशारे के बाद बेटे ने मां की हत्या का ताना बाना बुन लिया और इस दौरान बिल्डर का घर में आना जाना बना रहा। 4 जून की रात 16 साल के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी और इस डर के बाद बिल्डर पर आंच ना आ सके, इसके लिए पुलिस ने पबजी की थ्योरी गढ़ डाली। हालांकि बाल सुधार गृह में आरोपी बेटे से मुलाकात करके लौटे परिवार के एक सदस्य ने बताया कि इस हत्याकांड की जमीन एक साल पहले तैयार हुई थी, जब आरोपी बेटा अपने मामा के घर बनारस से लखनऊ वापस आया। उसने मां साधना के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। इसमें उसकी मां किसी शख्स से बात करती सुनाई दे रही है। बेटे को अंदाजा हो गया कि पिता की बाहर पोस्टिंग होने की वजह से मां किसी दूसरे इंसान के करीब चली गई है। एक बेटे के लिए ये बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उसने आसनसोल में पिता नवीन को फोन करके ये बात बताई। सबूत के लिए एक कॉल रिकॉर्डिंग भी भेजी। पिता नवीन के पूछे सवालों पर मां साधना जवाब नहीं दे पा रही थी। निजी जिंदगी में बेटे का दखल और उसकी वजह से पति से दूरियां साधना को बर्दाश्त नहीं हुई। वो बेटे को घर में नौकर की तरह रखने लगी। माँ की यह हरकत देख बेटे के दिल में नफरत भर गई। बेटा यह सब पिता को फोन पर बताता रहा और फिर 3 जून को माँ ने मुझे बहुत मारा था। मैंने पापा को फोन कर बताया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि माँ को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मैंने पापा को ये सब बताया। उन्होंने कुछ नहीं करने के लिए कहा। मैंने 4 जून की शाम तक उनके आने का इंतजार किया। शाम को पापा का फोन आया। उन्होंने बताया कि ट्रेन का टिकट नहीं मिला है। उसी रात मैंने माँ के सिर में गोली मार दी। तो ये थी इस हत्याकांड की असली वजह। लेकिन आरोपी बिल्डर को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गेम की कहानी बनाकर पेश कर दी, जिससे केस की आंच बिल्डर तक ना पहुंच सके। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।